जूझन लग रहा हो कि ये तुम्हारी आंखों में पानी क्यों, तुम रोई क्यों, आखिरकार ये कहानी क्या है? बेटा ना ही पूछो तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं पूछना चाहूंगा, आखिरकार मैं राजा होने से पहले तुम्हारा बेटा हूँ, मैं राजा बाद में हूँ, पहले तुम्हारा बेटा हूँ। और बेटे की माँ, एक राजा की माँ छज्जे के ऊपर अकेली खड़ी खड़ी रोल लग रही, तो कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई विचित्र बात है। बात यह है कि कुछ पिछली बातों को याद करके रो रही हूँ। जैसे तुम्हारा ये गात सोने की तरह चमकता है, ऐसे ही तेरे पिता का भी गात सोने की तरह दमकता था। बेटा, उनको काल खा गया और वो मुझे छोड़कर चले गए। आज मुझे उनकी याद आई तो इसलिए आंखों से आंसू आ गए। पिछली बातों को याद करना व्यर्थ की बात है माता श्री, क्योंकि समय समय के खेल है, समय समय की बात, और कभी समय के दिन बढ़े तो कभी समय की रात। समय के आगे हर मानस हाया है, और समय से किसी की पेश नहीं चलती। जितना जीव जितने दिन के लिए आया है, जो जीव जितने दिन के लिए आया है, उसे उतना ही दिन यहाँ जीना है। और जब उसका अंजल पानी खत्म हो जाता है, तो ये पांच तत्वों का बना पुतला उन पांच तत्वों में जाकर के ब्रह्मलीन हो जाता है। ये बात तो सही है बेटा, लेकिन पता नहीं आज दिल में थोड़ा दर्द है, मन भारी भारी हो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। सुनिए मेरी बात। सही बेटा, और खोल के बता तेरी माता। क्या बेटा? आज मैं स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि इस कहानी का रहस्य क्या है। पूछिए। हरि खोल के बता तेरी माता, तेरी क्यों आँखियाँ में नीर हेरी, क्यों आँखियाँ में नीर। तो सुनिए बेटा। क्या? काल जा फट से तेरी मात का। पानी आया दर्द भरिया तेरी वाणी में, गर्मों ते बोल निकलता कोन्या मां तेरी परेशानी में। अरे के तेरा ध्यान चला गया री माता, बीती हुई कहानी में, फिर करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में, करके याद पुरानी रोई विधवा हुई धीर हेरी, दिल में धर ले धीर। कामे नहीं ये मेरे हाथ का, जब खोल के बता तेरी तेरे क्यों ने नाम नीर, तेरे क्यों ने नाम नीर। काड़ जा फटे से मरण, जीवन मरण लाभ हानि, जीवन मरण लाभ हानि, यस अपयस खेल विधाता के। अच्छी तरिया जानो बेटा ये दस्तूर विधाता के, और क्या दर्शन करना चाहती, क्या दर्शन
करना चाहती तू सगे भ्रातरी भ्राता के। घर छाती पे हाथ ला लिया देश कठिन तेरी माता के। घर छाती पे हाथ ला लिया देश कठिन तेरी माता के। अरे खोल के बता दे, अरे खोल के सुना तेरी माँ अपने मन की पीर, हेरी अपने मन की पीर। ख्याल रखिए मेरी बात का, खोल के बता देरी मेरे क्यों या क्यों मैं नीर, क्यों या क्यों मैं नीर। आर जाप कैसे तेरी माँ आदेश कठिन तेरी माता के। हाँ, तुम बार बार पूछते हो कि ये आंखों में आंसू क्यों हैं? हाँ, तो ये आंखों में आंसू इसलिए हैं। किस लिए? एक बात कहना चाहती हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुम इनकार ना कर दो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं पा रही हूँ। आखिरकार मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, क्या एक माँ से बेटा किसी आदेश का इनकार कर सकता है? पर मुझे डर लगता है। मैं हरगिज नहीं करूँगा। बात ही कुछ ऐसी है बेटा। अरे खटके अरे खटके कह दे माता तेरा हुक्म बजाना चाहो सो। तू आफत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहो सो। अरे एक बार कह दे तेरे चरणों में, एक बार कह दे तेरे चरणों में सर काट चढ़ाना चाहो सो। अगर मैं कहूंगी तो तुम मानोगे? अगर तुम कहेगी कि बेटा तू अपना सर कतल करके मेरे चरणों में गिर दे, एक तरह कहने की देर होगी लेकिन सर कतल करने की देर नहीं होगी। तो मैं क्या चाहती हूँ? एक बार कह दे, तू एक बार कह दे तेरे चरणों में सर काट चढ़ाना चाहो सो। गोपी चंद बेटे में तन्ने अमर कराना चाहो। गोपी चंद बेटे में तन्ने अमर कराना चाहो। सुनते हैं मैंने बेटा तेरी माता, आता वक्त अखीर हेरी, आता वक्त अखीर खोजना मिटेगा तेरे गात का। जो आता वो जतरी माता मत न मन भटकिए तो। योग साधना करके बेटे अमर शरीर बनाइए तो। अरे बात ही असंभव सी लगती मने, बात ही असंभव सी लगती मने, वेद खोल समझिए तो। मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बडोल जाइए तो। मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बडोल जाइए तो। हरे गुण सतगुरु के रे गुण सतगुरु के गा तेरी माता, खुल जागी तकदीर तेरी, खुल जागी तकदीर कवि ये निराला बैसला।